सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज यानी SJMC बेंगलुरु। नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं कर्नाटका में। लेकिन क्या इस कॉलेज में कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा? कितनी सीट अवेलेबल है टोटल डिफरेंट कैटेगरीज के लिए? ऑल इंडिया ओपन मेरिट में टोटल कितनी सीट अवेलेबल है? कितने मार्क्स की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कर्नाटका का जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है जो कि KEA के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही है 2021 का, उसमें कर्नाटका के बाहर के कैंडिडेट्स बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, राजस्थान, यूपी एंड बिहार, यहाँ के कैंडिडेट्स मोस्टली रजिस्टर करते हैं कि वहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आसानी से एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पर फीस कम है। लेकिन क्या वाकई में कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा? जिन कॉलेजेस में 9 लाख या फिर 10 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है उन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा, कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा? प्लस जो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और जिसकी फीस 6.5 लाख रुपए है पर ईयर, क्या इस कॉलेज में भी आसानी से एडमिशन हो जाएगा? क्या रहेगा कट ऑफ 2021 की काउंसलिंग में? कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। हेलो एंड ए ग्रांड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग। दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग मेडिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। गाइज, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज लगातार फोर्थ रैंक का, ऑल इंडिया का फोर्थ रैंक का कॉलेज लगातार 4 साल से, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। लेकिन क्या सेंट जॉन्स में आसानी से एडमिशन होगा, कम मार्क्स पर भी एडमिशन होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेंट जॉन्स में एग्जैक्टली कितनी सीट अवेलेबल है और डिफरेंट कैटेगरीज के एडमिशन के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स की। देन अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, देन सीट मैट्रिक्स गाइज आप देख रहे हैं इस वक्त जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये सीट मैट्रिक्स है 2021 की, जो ब्रॉशर है KEA की अथॉरिटी पे जो वेबसाइट है वहाँ पर ये अपलोड किया गया है, राइट। और उसके हिसाब से सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज MBBS सीट मैट्रिक्स में ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट, ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटका के बाहर के हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2021 में काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट यहां पर सिर्फ 10 सीट अवेलेबल है, राइट। और इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा कर्नाटका का, यानी सेंट जॉन्स के ऐसे परमानेंट एम्प्लॉयज जो 10 साल से या फिर उससे ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके चिल्ड्रंस के लिए 10 सीट अवेलेबल है। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए 20 सीट्स, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स के लिए 10 सीट्स, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑरिजिन 10 सीट्स, नेटिव लोकल नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए 10 सीट्स हैं, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ कर्नाटका स्टेट्स के लिए 10 सीट, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑल इंडिया ओपन मेरिट 60 सीट यहां पर अवेलेबल है और कर्नाटका स्टेट ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 10 सीट अवेलेबल है। ये जो नंबर 8 का आप देख रहे हैं रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑल इंडिया ओपन मेरिट 60 सीट, अगर इस जो रिजर्व कैटेगरी है इसमें अगर सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं देन उस केस में जितनी सीट बाकी रहेगी वो ओपन मेरिट के लिए ओपन कर दी जाएगी, यानी ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट के लिए ये ओपन कर दी जाएगी, यहाँ पर सीट्स ऐड कर दी जाएंगी सेकेंड राउंड या फिर उसके कंसेक्यूटिव राउंड के काउंसलिंग में, राइट। अब यहाँ पर जो सेंट जॉन्स का सीट मैट्रिक्स है कैटेगरी वाइज ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, राइट। आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें कि 2021 में क्या कट ऑफ रहेगा, देन गाइज हेयर इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। नॉर्मली कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स और गार्जियंस ये सोचते हैं कि कर्नाटका में फीस कम है और वहाँ पर कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम मार्क्स में एडमिशन होगा। हाँ, कम मार्क्स में एडमिशन होते हैं, 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कम मार्क्स में एडमिशन होते हैं, लेकिन उन 4 कॉलेजेस की अगर हम फीस की बात करेंगे तो वो बहुत हाई है। 15 लाख से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 20 लाख्स तक इनका फी स्ट्रक्चर। ये जो 4 इंस्टीट्यूट हैं ये है SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, खाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट, राइट। उसके बाद बेल्लूर का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो, उसके बाद डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन जो कि हाराहोली हुबली कर्नाटका में है, यहाँ पर कम मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। रही 2020 का आप कट ऑफ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फीस जो है वो बहुत ही हाई है, यानी 15 लाख से स्टार्टिंग होती है यहाँ पर और 20 लाख तक फीस है। बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर 9,91,000 यानी 10 लाख के अप्रॉक्सीमेट आपका ट्यूशन फीस है, उन सभी में
जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाता है। उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि सिर्फ 15% सीट रिजर्व होती है बाहर के कैंडिडेट्स के लिए जो कि कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं, और उन 15% सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान जो कि हाई कट ऑफ का स्टेट है, दिल्ली हाई कट ऑफ, यूपी एंड बिहार, इन सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स जहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस इनको नहीं मिलते हैं कम मार्क्स होने की वजह से, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मूव करना चाहते हैं कर्नाटक की ओर, जिसकी वजह से वहां पर कट ऑफ हाई चला जाता है। सो अगर आपके मार्क्स 550 से कम है या 580 से अगर कम है और आप प्लान कर रहे हैं कर्नाटका में 10 लाख के मेडिकल कॉलेज को आप एडमिशन लेने के लिए, देन मुश्किल हो सकता है 2021 में। अगर हम सेंट जॉन्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो बाहर के कैंडिडेट्स थे जो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए ये कट ऑफ गया था 623 मार्क्स। ये इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं 623 मार्क्स की जरूरत थी, लेकिन हाँ जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते थे उनके लिए जो मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड था वो था 573। MS रमैया 520 कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए यह था 602, राइट। केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर में है 598, 594 था फादर मुलर इंस्टीट्यूट्स के लिए, वैदेही के लिए 609 था, और BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो कि केंगरी में है 606 मार्क्स पर क्लोज हुआ था, जया जगत गुरु ये क्लोज हुआ था 593 पे, और उसके बाद महादेवापा रामपुरा मेडिकल कॉलेज जो कि कलाबुर्गी में है वहाँ पर एडमिशन हुआ था 603 मार्क्स पर। ये डिफरेंट कैटेगरीज के जो कट ऑफ हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ लिस्ट है प्लस उसकी क्या फीस है इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके मार्क्स 580 से कम है 2021 के एग्जामिनेशन में, आप कर्नाटका के स्टेट्स के बाहर से बिलोंग करते हैं, देन आपके चांसेस 10 लाख या फिर 9 लाख के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर कम होंगे। सो रजिस्ट्रेशन आप जरूर कीजिए, लेकिन हाँ चांसेस कम होंगे अगर मार्क्स 580 से कम है। 580 से ऊपर अगर मार्क्स है तो नो डाउट कि आपका थोड़ा बहुत चांसेस बन सकते हैं किसी एक मेडिकल कॉलेज में। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डाउन जाएगा ही जाएगा, जैसा कि मेडिकल विंग ने एक्सपेक्ट किया था, 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। हालांकि रिजर्वेशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, अगर रिजर्वेशन लागू होता है MCC की काउंसलिंग में उस केस में जो EWS का कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जाएगा, लेकिन हाँ OBC के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है 2021 के केस में। सो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ डाउन जाएगी तो नो डाउट कि थोड़ा बहुत असर तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर असर पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। सो अगर आपके मार्क्स 500 हैं, 450 हैं या फिर 550 है, 530 है, तो फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कर्नाटका में देन चांसेस आपको थोड़े से कम लगेंगे, बहुत ही मुश्किल होगा आपका एडमिशन यहाँ के जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका में। कंप्लीट डिटेल थी सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज प्लस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ रहने वाला है 2021 में। 2021 की जो MCC की काउंसलिंग होगी कब स्टार्ट होगी, कैसे उसकी काउंसलिंग प्रोसेस होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, कंप्लीट वीडियो जैसे ही MCC की ओर से कोई भी अपडेट आएगा मेडिकल विंग चैनल अपने इसी यूट्यूब चैनल पर उसको अपडेट करेगा। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें। प्लस कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।